हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थानी विलेज ब्लॉगर चैनल में। आज हम आपको सिखाएंगे बहुत ही यम्मी टेस्टी सब्जी किसकी, दही और आलू की। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलो हम आपको सिखाते हैं। हमने उसके लिए लिया है, बनाने के लिए धनिया लिया है थोड़ा सा सजाने के लिए, और कुछ बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, एक बड़ा बारीक कटा हुआ, और ये लिए हमने हरी मिर्च, और ये लिया है दही। आलू उबले हुए हैं और छोटे साइज के आलू लेने हैं। उबालने के बाद, उनके छिलके उतारने के बाद, आलू छोटे हैं और उनमें अच्छे से मसाला चला जाए, इसके लिए हमने क्या किया, उसके अंदर छेद किए, जैसे मैं कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो बहुत साइज में बहुत छोटे हैं उनके नहीं करना है, जो थोड़े से बड़े हैं उनमें कर देना, ताकि खाते टाइम आपको कुछ फीका नहीं लगे। अब हम तैयार करेंगे दही का पेस्ट। दही में हमने डाला है मिर्च का पाउडर 2 स्पून, और ये डाली है हमने हल्दी 1 स्पून, और ये डाला है हमने धनिया भर भर के 3 चम्मच डाली, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और अब इसमें डाला है नमक, वो अपने टेस्ट के अनुसार। ये हमने लिया है सरसों का तेल बेस्ट होता है खाने के लिए सोयाबीन से, और उधर सरसों का तेल या इधर हम अपने उसको जो दही का मेटर है उसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया अच्छे से। अब इधर अपना ऑयल गर्म हो गया, उसमें हमने हींग डाल दी, जिससे अपने आपको कोई दिक्कत नहीं हो खाने में आलू से, और उसकी सुगंध भी अच्छी आती है। ये हमने सारे मसाले डाल दिए, जो भी डालते हैं अपन, साबुत धनिया, जीरा और छोटी छोटी सरसों सब। अब हमने इसमें हरी मिर्च प्याज डालने के बाद हमने इसमें डाल दिया दही, और दही डालने के बाद इस सब्जी की सबसे खास बात यह है कि इसको आप लगातार हिलाते रहेंगे दही को, वरना ये फट जाएगा, सब्जी तो बनेगी नहीं, पता नहीं क्या बन जाएगा। तो प्लीज़ जो भी इसको बनाए उस दही को 5 मिनट तक आप क्या करें, मूव करते रहे, जैसे आप कढ़ी बनाते हो वैसे ही इसमें करें। ये देखो मैं 5 मिनट तक इसको लगातार चला है, जिससे आपका दही है वो बिल्कुल पक जाए। 5 मिनट 6 मिनट चलाने के बाद क्या होगा, दही बिल्कुल गर्म हो जाएगा, पक जाएगा, उसके बाद फटने के चांस नहीं है। तो जैसे ही डालो, डालते ही आप क्या करो, उसको हिलाना स्टार्ट कर दो, और जब लगे वो पक गया तो आप उसको छोड़ सकते हो दही को। अब इसमें डाल दी है आलू। अब आलू डालने के बाद भी मैंने क्या चलाया, 2-3 मिनट इसको कड़छी से चला दिया, ताकि थोड़ा सा आलू में मेटर चला जाए। अब इसको मैंने ढक के रख दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद में अपनी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। ये देख रही, आपको दिखने में भी लग रहा है कि इसका गाढ़ा हो गया, जो पानी है वो बिल्कुल, जो दही था वो बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब इसमें आप डाल सकते हो हरा धनिया, और इसको मिक्स करके सब्जी बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है। एक बार जरूर ट्राई करें प्लीज़ हमारे चैनल।